तुम्हारे कागजों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। यदि आप ये शेर समझ रहे हैं तो एकदम गलत सोच है आपकी। ये कोई शेर नहीं, बल्कि ये तो सिस्टम के दावों का वो गीदड़ है साहब, जिससे खफा होकर ग्रामीणों ने चुनावी प्रक्रिया से अपने आप को अलग करने का फैसला ही ले लिया। फैसला कि इस बार वोट नहीं करेंगे। और कैसे दे दे वोट आखिर? पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना ही भाग्य बन चला है। सर, ये पानी की समस्या है अपने यहाँ, बहुत ज्यादा किल्लत पड़ी है। यहाँ लगभग कितना पीढ़ी गुजर चुकी है। अब यहाँ जो नल जल योजना लगा था वो खाली नाम मात्र के लिए लगा है, वो अभी तक जो है तो पानी नहीं मिल पा रही है। जल संकट को लेकर वादे आज तक खूब किए गए, वो हकीकत की ड्योढ़ी ना चढ़ पाए। गांव है सोनपुरी, जो कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी के अंतर्गत आता है। जल संकट भयावह है और हर चुनाव से पहले मुद्दा प्राथमिकता पर रहता है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ये मुद्दा शून्य होकर संकट ही रह जाता है। यहाँ पानी की समस्या है सर, पानी के लिए तबाही है। आदमी बहुत दूर जाना पड़ता है, कुआं और झिरियन में भी जाना पड़ता है, तो कुएं में भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। बोर तो यहाँ चालू हुआ था पर 4 महीने से बंद है। और हम लोग अधिकारियों के पास गए शिकायत करने के लिए, तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे, न कोई आ नहीं रहा है यहाँ पर। ताकीद दी गई है साहब कि नेता ना इस गांव का रुख करेंगे और ना ही प्रचार करने की कोशिश। जी बहिष्कार होगा ही सर, पानी की सबसे दिक्कत है, पानी यहाँ नहीं मिल पा रही। पानी की आएंगे तो यही बोलेंगे हम लोग, पानी की समस्या हमारे हल होना चाहिए, तब हम वोट देंगे, पानी नहीं है तो वोट नहीं देंगे। वैसे ग्रामीणों का गुस्सा लाजमी है और उसी से जुड़ा है ये फैसला भी। खैर, होता है वही कुछ हो रहा है। प्रशासन हर संभव कोशिश में है कि जैसे तैसे करके ग्रामीणों को मना लिया जाए, ताकि मतदान बहिष्कार का दाग ना लगे। मान मनोबल जारी है लगातार, आगे क्या भविष्य बताएगा। लेकिन साहब, कम से कम झूठे वादे करने वाले नेताओं को सबक तो ले ही लेना चाहिए। साफ है, जन का मन है तो आप हैं, वरना मैदान साफ है।